आज ये मेरा चैनल 24 पे आखिरी प्रोग्राम है और इसके बाद मैं एक और चैनल ज्वाइन करने जा रहा हूँ, लेकिन मैंने इस प्रोग्राम के मतलब दो चार बातें ज़रूर बतानी हैं कि जो पाकिस्तान की मीडिया में और पाकिस्तान की आवाम को भी पता चलेंगी तो उनको शायद अच्छा लगे, उनको शायद कोई चीज़ अच्छी लगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वक्त तो गुजर जाता है और ज़िंदगी जो है ना इसमें वक्त ही है जो रुकता नहीं है इंसान के पास, बाकी किसी चीज़ को भी आप सेव कर लें रख लें, वक्त आगे निकलता रहता है और कोई वक्त भी एक जैसा नहीं होता, कभी अच्छा भी होता है और कभी अच्छा नहीं भी होता। कभी क्या होता है कि आप लोगों को पहचान जाते हैं और कभी किसी वक्त की वजह से आप दुनिया जो है वो आपको पहचान जाती है, दोनों के ऊपर जो है ये वक्त आता है इस तरह का। लेकिन दो साल के इस अरसे में चैनल 24 ने, सिटी 42 ने, 41 ने, 44 ने, रोही ने जितना ज़्यादा हमें सपोर्ट किया है, मैं उनका जितना भी शुक्रिया अदा करूं, तमाम मैनेजमेंट का, एम्प्लॉयज़ का, अपने कॉलीग्स का, यहाँ पे जितने हैं आप तो एक प्रोग्राम देखते हैं, आप एक आदमी को देखते हैं, पीछे सैकड़ों अफराद जो होते हैं वो आप तक ये प्रोग्राम पहुँचाने के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, तो वो कम है। और मैं एक हैरान कन बात आज बताना चाहता हूँ, बल्कि दो बातें हैरान कन हैं कि मेरा और चैनल 24 का एक लिहाज से हमारा ये आप समझे गुरूर है कि हमारा कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं, हमारा कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं, कोई कुछ नहीं। जो पहले दिन मैंने कहा उन्होंने मेरे लिए किया, जो उन्होंने मेरे ऊपर रखा कि जनाब ये करना है ये नहीं करना, हमने अपनी टाइम वो कोशिश की एक दूसरे को ऑनर करने की। बीच में जब अफसार आलम साहब नए नए आए थे तो पैमरा ने बड़ी कलाबाजियाँ लगवाने की हमारी कोशिश की और वहाँ पर चैनल 24 की मैनेजमेंट है वो उसको उन्होंने बड़ा डराया धमकाया, गवर्नमेंट ने इश्तहार रोके, सब कुछ रोके, लेकिन वो जो है उन्होंने हमें सपोर्ट किया वहाँ पे और यानी ये एक आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। पाकिस्तान की मीडिया में मैं बता रहा हूँ एक तारीख रकम होने इसलिए जा रही है कि जब मैंने छोड़ना था तो मैंने अपनी मैनेजमेंट से जाके इजाज़त ली, मैंने उनको नोटिस ही दिया, मैंने उनसे इजाज़त ली है और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप जब छोड़ जाएंगे तो उसके बाद हम आपको एक फेयरवेल भी देंगे सारे एम्प्लॉयज़ के सामने। यानी यहाँ पे ये रिवाज नहीं है, एंकर्स छोड़ जाते हैं दूसरे दिन पता चलता है कि जी वो फलां चैनल में चले गए हैं और पिछले चैनल वालों के मतलब एक अजीब बातें कर रहे होते हैं, चैनल वाले उनको भी कई बार चांद लगा देते हैं। लेकिन फेट हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी एंड फेट हैज़ बीन वेरी काइंड टू टीम खरा सच, पूरे जितने भी लोग हैं। जब हम दुनिया में थे, जब हम उससे पहले एक्सप्रेस में थे, तो एक्सप्रेस वालों ने हमारा बहुत ख्याल किया, बड़ी अच्छी तरह रखा, दुनिया ने हमें पाला बकायदा, जैसे आप किसी के नखरे उठाते हैं ये करते हैं। ARY ने हमें पैम्पर किया बहुत ज़्यादा और हमारे यानी छोड़ने के बावजूद वो हमारे दुख सुख में शरीक रहे और चैनल 24 तो हमारी अब लाइफ का हिस्सा है। वन जस्ट मूव्स ऑन, वन मेक्स अ प्रोग्रेस। अल्लाह ताला उनके भी अच्छे दिन लाए, अल्लाह ताला उनके और उनको तरक्कियां दे और अल्लाह ताला हमारे लिए भी बेहतर करे और जिस जगह हम जाएं अल्लाह उसको भी अच्छा करे। इस पूरे सफ़र में, अपनी पूरी ज़िंदगी में अगर मैंने कोई गलत फैसला लिया है तो वो एक ही था, वो था बोल टेलीविज़न के ऊपर एतबार करना और बोल की इंतज़ामिया के ऊपर एतबार करना। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने झूठ नहीं देखे, ये आज मैं पहली बार ही कह रहा हूँ। मैंने पहले इसलिए नहीं कहा कि लोग समझते कि पता नहीं अभी ये छोड़ा है इसने, तो मैंने साल पहले ये बात नहीं की, आज मैं ये बात कर रहा हूँ। आज भी पूरी खरा सच की जो टीम है उसकी कुछ 6-7-8 महीने की पता नहीं तनख्वाहें देनी है उन्होंने और वो हर वक्त कहते हैं कि हम हिसाब करेंगे, हम हिसाब करेंगे, ये करेंगे। एक टीम जिसने उनका साथ दिया, जिसने उनको सपोर्ट किया, वो हज़रत अली का कॉल है ना मुहर्रम के दिनों में, मुझे याद आ रहा है क्योंकि आले रसूल के लिए मुहर्रम हम मनाते हैं और उन्हीं को याद करने के लिए कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करें तो फिर उसके शर से बचें, तो बस वो दुख है। लेकिन इतने चैनल्स पे काम किया, हर दफ़ा नई चीज़ सीखी और नए दोस्त गेन किए, नई फैमिलीज़ गेन की। अल्लाह ताला सबको अपनी अपनी जगह कायम और दायम रखे और इन सब लोगों को खुश रखे। एंड थैंक यू फॉर द व्यूअर्स फॉर जॉइनिंग। एंड अदीबा स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ में बेल आइकॉन प्रेस करें।